टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आप लोगों को आपका जो प्रोडक्ट है वो जेम पे अप्रूवल हुआ कि नहीं वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको सेलर के अकाउंट में चेक करना है जो आपका प्रोडक्ट है वो अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। जैसे कि सेलर है, यहाँ वेट फॉर एडमिन क्लियरेंस में नहीं होना चाहिए, ये पब्लिश्ड में आ जाना चाहिए। जैसे मेरा ये प्रोडक्ट पब्लिश में आ चुका है, तो मैं क्या क्या ये प्रोडक्ट को ओपन करूंगा और इस प्रोडक्ट का लिंक को कॉपी करेंगे और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक एक नया टैब में खोल के रख देता हूँ। ये नया टैब में पेस्ट कर दिया। बायर को क्या चाहिए, सेम जो प्रोडक्ट है उस कैटेगरी को चूज करेंगे। जो कैटेगरी है, मान लीजिए मुझे बायर को चाहिए ट्री गार्ड, ट्री गार्ड डाल दिया है हम लोगों ने, ट्री गार्ड का प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाएगा। आ गया, कितने क्वांटिटी में चाहिए, सिलेक्ट कंसाइनी, यहाँ पे चूज करके जो भी कंसाइनी होगा उसको सर्च, ये हम लोगों ने सर्च कर दिया। अभी आपका प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे सेलर के अकाउंट में तो पब्लिश हो चुका है, देखिए दिख भी रहा है, मेरा ही रेट दिख रहा है, सबसे लोएस्ट रेट बायर के लोकेशन में आपका होना ही चाहिए, वही तो आपको ऑर्डर मिलेगा, ये तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड, अभी हम लोग इसको आगे का देखेंगे कि ये बायर के अकाउंट में दिख रहा है कि नहीं, मतलब इसका ऑर्डर मुझे मिल सकता है कि नहीं। तो मैंने सेम और एक टैब खोला है और यहाँ लिंक डाल दिया, लिंक डालने के बाद इसको इंटर कर दिया। अभी तक मेरा प्रोडक्ट पब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि नो क्वांटिटी बता रहा है। सेम यदि आप दूसरे कहीं पर भी देखेंगे अकाउंट में या विदाउट लॉगिन देखेंगे तो भी आपको प्रोडक्ट दिखेगा, मेरा ही रेट दिख रहा है। यू सेलर डिटेल्स में जाएंगे तो हमारा ये रेट आपको दिख रहा है और ये दूसरे का प्रोडक्ट है। यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट बायर के लोकेशन में बेस्ट प्राइस में होना चाहिए, सबसे कम प्राइस में होना चाहिए, ये आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्वांटिटी जितना चाहिए बायर को उतना आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और मिनिमम क्वांटिटी जितना चाहिए उससे कम होना चाहिए, ये तीन चीजों का आपको ध्यान देना है। और उसके बाद आपको बायर के अकाउंट में यदि आप यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो आपका ही प्राइस दिखना चाहिए जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है, तभी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। यदि यहाँ पे अलग रेट दिख रहा है, आपसे ज्यादा या आपसे कम रेट दिख रहा है, तो आपको ये ऑर्डर नहीं मिलेगा। ज्यादा दिख रहा है तो शायद आपका प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग अभी तक हुआ नहीं है, कम दिख रहा है दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट बायर के लोकेशन में आपके प्राइस में आपको वो प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं मिलेगा, जो सबसे कम रेट में बेच रहा है उसको मिल जाएगा। यदि कम प्राइस शो हो रहा है तो आपको जाके आपका रेट उस प्राइस से कम करना पड़ेगा तो ही आपको ऑर्डर मिलेगा। अभी तक मेरा जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट नहीं हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और एक बार या बायर के अकाउंट से और फिर ये अकाउंट को भी रिफ्रेश करता हूँ। थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर देखेंगे, जब तक ये अवेलेबल नहीं आता है। देखिए ये पर प्रोडक्ट हमारा दिखना प्राइस चालू हो चुका, दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग हो चुका। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट परचेज करना है तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, एल1 करना है तो एल1 कर सकते हो। अभी एल1 करना पड़ेगा क्योंकि 2,60,000 का है एक प्रोडक्ट, आप यदि उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। मेरा प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 139.98 इंटू जितना बायर को चाहिए वो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 130,1858। देखिए आपको कितना ही प्राइस आ रहा है कि नहीं, ये आपको प्रॉपर वे से चेक करना पड़ेगा तो ही आपको आपका प्राइस का आपको ऑर्डर मिलेगा। अब मैं आपको ऑर्डर भी दिखाता हूँ करके, एक देखिए मेरा प्रोडक्ट L1 पे आ चुका है, 260,082 आगे 184। अभी यदि मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो ये ऑर्डर मुझे ही मिलेगा। तो हमारे पास इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी है, आप चाहो तो पूरे बायर एंड सेलर के हमारे पास ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, या फिर आप हमें काम L1 के रिगार्डिंग हम लोग आपको काम करके भी देते हैं, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई सर्विस चाहिए तो दोनों हमारे पास है, ट्रेनिंग्स भी एंड सर्विसेज भी दोनों हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के आपको जेम और ई टेंडर मतलब जो भी गवर्नमेंट के पोर्टल है उसके रिगार्डिंग वीडियोज के लिए आपको रेगुलर जो भी नए अपडेट्स आते हैं या जो भी नए चीज़ें आती है उसके बारे में हम रेगुलर यहाँ पे हमारे चैनल पे अपडेट करते रहते हैं।